वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाल ही में बहुत ही यूनिक डेवलपमेंट हुई है। पहली बार भारत के आसपास के जो देश है उनमें से एक कंट्री ने रॉथचाइल्ड फैमिली से हेल्प मांगी है अपने देश के कर्ज की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे नो बेल आउट फ्रॉम IMF। IMF से पाकिस्तान को अभी के लिए कोई बेल आउट मिला नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान के वित्त मंत्री और इनके इवन प्राइम मिनिस्टर ये डायरेक्टली बातचीत स्टार्ट कर चुके हैं प्राइवेट कंपनी रॉथचाइल्ड एंड को से, जिसको डायरेक्टली चलाता है दुनिया का सबसे ताकतवर परिवार रॉथचाइल्ड फैमिली। और ये कोई रिपोर्ट नहीं है कि कोई मीटिंग वगैरह कुछ उसकी हुई होगी, इस पर प्रॉपर इमेजेस सामने आई है। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पाकिस्तान की, ये कह रहे हैं अ डेलीगेशन ऑफ रॉथचाइल्ड एंड को कंप्राइजिंग ऑफ सो एंड सो, जो भी यहाँ के लोग हैं ये आए और पाकिस्तान के वित्त मंत्री से मिले। और अब देखो पाकिस्तान की कोशिश ये है कि जो इनकी बहुत ज्यादा खराब स्थिति हो चुकी है डेट को लेकर, कर्ज को लेकर, ये सॉल्व करवा देगा रॉथचाइल्ड। अब यहाँ पे आप पूछोगे वेट स्थिति खराब क्या होगी, रिसेंटली इनके रक्षा मंत्री ने ये नहीं कह दिया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। देखिए एक स्टेटमेंट उनकी आई थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, डिफॉल्ट मतलब कि पाकिस्तान ने जो लोन लिया था वो वापस नहीं कर पा रहा, पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए हैं, ये उनकी स्टेटमेंट आई थी। मगर बाद में उन्होंने वो स्टेटमेंट में यू टर्न ले लिया, कहा कि अभी डिफॉल्ट किया नहीं है, डिफॉल्ट करने की कगार पे है। और वैसे आप अगर सोच रहे हैं कि मान लीजिए कल को पाकिस्तान डिफॉल्ट कर भी जाता है तो क्या होगा, क्या पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। देखिए जब भी एक कंट्री डिफॉल्ट करता है, कहता है कि जी हमने कहीं से कर्ज लिया था हम वापस नहीं कर पा रहे, तो कोई इंटरनेशनल कोर्ट केस नहीं होता, सीधा इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है उस कंट्री की करेंसी पर। उस कंट्री की करेंसी हर कोई डंप करना स्टार्ट कर देता है, उस कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स थोड़े बहुत जो बचे थे वो भी बिल्कुल क्रैश कर जाते हैं, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट आती है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है। तो कम शब्दों में आप ये समझ लीजिए सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है गरीब वर्ग को, और इवन कुछ हद तक जो अमीर क्लास है उस फैमिली की उसको भी काफी चोट पहुंचती है, बट ओवरऑल वो कंट्री सर्वाइव करता है। आप हिस्ट्री में देखोगे बहुत से देश डिफॉल्ट कर चुके हैं, जैसे कि स्पेन, अर्जेंटीना, रशिया डिफॉल्ट कर चुका है अपने कर्जों पर इन द पास्ट काफी बार, 1998 में मोस्ट रिसेंटली रशिया ने डिफॉल्ट किया था। तो पाकिस्तान भी जब डिफॉल्ट करेगा, जो करेगा वो ऐसा नहीं है कि आज अगर अवॉइड कर दिया तो आगे ये नहीं होगा, इवेंचुअली पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा और इसका इम्पैक्ट बस इनके आम लोग महसूस करेंगे। मगर आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं कोई देश डिफॉल्ट भी नहीं करना चाहेगा क्योंकि बहुत पीड़ा होती है उसके बाद। तो पाकिस्तान ने ना खुद को बचाने के लिए रॉथचाइल्ड एंड को से बात करनी स्टार्ट कर दी है। अब रॉथचाइल्ड एंड को सबसे अजीब बात देखिए, ये एक ज्यूइश फैमिली की कंपनी है। पाकिस्तान एंटी सेमेटिक रिमार्क्स में, अब एंटी सेमेटिक का मतलब होता है कि जब आप इसराइल में जो मेजोरिटी रिलीजन है जुदाइज्म, जिसको फॉलो करते हैं जूस, उनके खिलाफ जब आप बोलते हो ना कुछ, उसको कहा जाता है एंटी सेमेटिज्म। तो पाकिस्तान इतने ज्यादा जूस के बारे में खराब बातें बोलता है, इसराइल के बारे में खराब बातें बोलता है, तब भी इन दी एंड जब इन पर बहुत बड़ी आपदा आ गई, IMF भी इनको रिलीफ नहीं दे रहा, तब घूम फिर के ये पहुंचे हैं रॉथचाइल्ड एंड को के पास। अब यहाँ पे आप पूछोगे मगर ये टॉपिक इतनी हेडलाइंस क्यों बना रहा है, रॉथचाइल्ड फैमिली इतनी स्पेशल क्यों है? देखिए इनसे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं, और आप अगर मान लो यूट्यूब पे नए हो, अगर आपने अपना यूट्यूब पे जो अकाउंट है ये बिल्कुल एक दो दिन पहले बनाया था, तो शायद आपको रॉथचाइल्ड फैमिली के बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा। नहीं तो वैसे आप देखोगे ना YouTube पे 85 वीडियो पड़ी होंगी जहां पे लिखा होगा कि जी रॉथचाइल्ड फैमिली कौन है, रॉथचाइल्ड फैमिली के पास इतनी पावर क्यों है। कई थंबनेल आप देखोगे वहां पे ये भी लिखा होता है जी कि रॉथचाइल्ड परिवार दुनिया का सबसे ताकतवर परिवार है और इनकी टोटल नेटवर्थ 500 ट्रिलियन डॉलर की है। ट्रिलियन, अब ये झूठ है वैसे, ठीक है 500 ट्रिलियन डॉलर की नेटवर्थ नहीं है रॉथचाइल्ड फैमिली की, क्योंकि आप अगर मान लो कि एक परिवार के पास जेन्युइनली 500 ट्रिलियन US डॉलर्स है उनके पास, तो दुनिया की टोटल वेल्थ का ना उनके पास 65-70% के आसपास का अमाउंट है, जो रियलिटी नहीं है। इतना पैसा एक ग्रुप अपने पास नहीं रह सकता। तो एक्चुअल जो नेटवर्थ है ना रॉथचाइल्ड फैमिली की, वो बताया जाता है कि रफली 500 बिलियन डॉलर की है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। इनके देखो अगेन
आप अगर फॉर्चून 500 की लिस्ट में जाओगे, फॉर्चून रियल टाइम जो बिलियनर की लिस्ट है वहां पर देखोगे, उधर आपको दिख जाएंगे इलॉन मस्क, जेफ बेजो, बर्नार्ड अर्नोल्ट फैमिली, लिखा होगा इनकी नेटवर्थ, ये इलॉन मस्क की नेटवर्थ है 190 बिलियन, ये जेफ बेजो की 117 बिलियन। मगर क्या ये पैसा जेन्युइनली इन लोगों के पास है, या फिर जो इनकी कंपनियों के शेयर इनके पास पड़े हुए हैं उन शेयर्स की वैल्यू इतनी उठी हुई है ना, तो इनकी नेटवर्थ यहां पर दिख रही है। ये आपको समझना होगा, इलॉन मस्क के पास जेब में नहीं पड़े 190 बिलियन डॉलर्स, एक्चुअल जो इनके पास कैश होगा ये बहुत कम होगा, मगर जो रॉथचाइल्ड फैमिली है उनके पास जो टोटल एसेट्स है 500 बिलियन डॉलर्स के आसपास के, ये जेन्युइन एसेट्स हैं। इनमें से बहुत सारी आपको प्रॉपर्टीज मिलेगी, बड़ी कंपनियों में इनके स्टेक है, ऐसी कंपनियां जिनके फाउंडर ये नहीं है, एप्पल ने बताया जाता है, उसके अलावा अल्फाबेट में, गूगल की जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट और वेरियस अदर कंपनीज में इनका स्टेक है, दुनिया भर में प्रॉपर्टीज हैं, कई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में इनके लोग बैठते हैं। तो ये परिवार बहुत ज्यादा पावरफुल है, इनके पास जो पैसा आप कह लीजिए है, नेटवर्क जो है, इसको ये यूज भी कर सकते हैं। मगर इनका नाम देखिए लिस्ट में इसलिए नहीं आता क्योंकि पहली बात तो ये परिवार बहुत जरा बड़ा है, ठीक है, ये परिवार 17 सेंचुरी से अमीर होना स्टार्ट हुआ था, इनकी शुरुआत हुई थी फ्रैंकफर्ट जर्मनी से, धीरे धीरे इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करी, सही जगह शादियां करी, अपने परिवार की नेटवर्थ बढ़ाते गए और इवेंचुअली आप कह लीजिए इनका नेटवर्थ बहुत बड़ा हो गया। अब यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि जी मैंने कोई थ्योरी पढ़ी है कि ये लोग वॉर से पैसा कमाते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, वहां पर मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरा टॉपिक नहीं है। नहीं तो रॉथचाइल्ड्स के बारे में अलग से अगर हम बात करें ना तो 20 घंटे का लेक्चर हो सकता है, क्योंकि बहुत सी थ्योरीज हैं कि इनके पास ये 500 बिलियन डॉलर कहां से आए। मगर आज के समय देखिए रॉथचाइल्ड फैमिली इतनी ज्यादा अमीर है कि बहुत ही जल्द इनका प्लान ये भी है कि जो इनका मेन इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, जो इनकी मेन इन्वेस्टमेंट फर्म है, जो पाकिस्तान की हेल्प करेगी, बाय द वे जो आज के समय जो ये टूटे हुए देश है, जो बिल्कुल कमजोर देश है, उनकी हेल्प भी कर रही है, उसको प्राइवेट ले जाने की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। रॉथचाइल्ड एंड को एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, अभी स्टॉक मार्केट में ये लिस्टेड है। रॉथचाइल्ड फैमिली ने रिसेंटली ये डिसाइड किया कि स्टॉक मार्केट से हटा के ना इसको 100% एक प्राइवेट कंपनी बना देंगे, कुछ हद तक ऐसे ही कर देंगे जैसे इलॉन मस्क ने किया ट्विटर के साथ। इलॉन मस्क ने ट्विटर के जो शेयर थे, ट्विटर के ओनर्स के पास, पब्लिक के पास, आम जनता के पास सब खरीद लिए और कंपनी को बना दिया प्राइवेट, 100% ओनर बन गए और अब इलॉन मस्क को किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। सिमिलरली रॉथचाइल्ड फैमिली का जो रॉथचाइल्ड एंड को, ये जो इनका मेन आप कह लीजिए इनका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो पाकिस्तान की हेल्प करेगा, ये पब्लिकली लिस्टेड भी नहीं रहने वाला बहुत ही जल्द। तो कम शब्दों में आप ये कह लीजिए पाकिस्तान जिनकी हेल्प लेने वाला है वो एक बहुत ही ज्यादा क्लोज्ड ग्रुप बनने वाला है। वो एक्चुअली में पाकिस्तान की हेल्प करना भी क्यों चाहते हैं उसके बारे में हमको अभी कुछ जानकारी है नहीं कि रॉथचाइल्ड को ये डूबते हुए जहाज को बचाने की कोशिश क्यों करेगा, उसके बदले में ये पाकिस्तान से क्या क्या करवाना चाहेंगे। क्योंकि देखो इमरान खान पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम ऑलरेडी कह चुके हैं कि पाकिस्तान में कोई जेन्युइन फ्रीडम है नहीं, ऑलरेडी ये देश अपनी फ्रीडम खो चुका है यूएसए के हाथों, काफी हद तक चाइना के हाथों, अब जो थोड़ी बची कुची फ्रीडम है ना अब ये कंट्रीज के पास नहीं जा रही, अब ये जो प्राइवेट परिवार है जिनके पास बहुत सारी संपत्ति है वो भी पाकिस्तान पर इतना फेवर डाल देंगे फाइनेंशियल हेल्प करके कि इन दी एंड पाकिस्तान जो भी निर्णय लेगा इन द फ्यूचर ये रॉथचाइल्ड को बड़ी कंट्रीज ये सब मिलकर डिसाइड करेंगी। और नोटिस करिए यहाँ पर मैंने ये कहा है कि प्राइवेट लेंडर्स और साथ ही साथ चाइना और यूएस, ये तीनों का ही काफी हद तक स्टेक होगा पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में। क्योंकि एक तरफ जब रॉथचाइल्ड फैमिली के साथ बात कर रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, साथ ही साथ ये भी न्यूज आई है कि चाइना ने 700 मिलियन डॉलर्स का लोन अप्रूव कर दिया है पाकिस्तान के लिए ताकि इनकी इकोनॉमी कुछ समय के लिए फ्लोटिंग रहे, ये अपने लोन्स पर डिफॉल्ट ना कर जाए। तो यह आप कह लीजिए एक नई शुरुआत है जहां पर जो छोटे इकोनॉमिकली पुअर कंट्रीज हैं ये ना सिर्फ वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और बाकी कंट्रीज पर डिपेंडेंट होंगे, अब ये प्राइवेट लेंडर्स की तरफ भी देख रहे हैं। और ये ट्रेंड देखो पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है, इन द फ्यूचर कोई बड़ी बात नहीं है कि बांग्लादेश, मालदीव्स, बहुत से देश जिनके फाइनेंसिस खराब हो चुके हैं, इन्फ्लेशन पीक कर रही है, इसी तरीके से प्राइवेट फर्म्स के पास जा सकती हैं, इट कैन वेरी मच हैपन। और आने वाले समय में आप देखोगे इस टॉपिक से पर आप टैक्स ना लगाएं, जो आप मिडिल क्लास पर लगाएं, जो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जिनके ग्लोव क्लब में जो इन बेचारों के पैसे टैक्स के पैसे से खा रहे हैं, पी रहे हैं और फॉरेन रिजर्व जो पे उनसे वो लेते हैं पैसे और बाहर से ब्रांड मंगवा कर खाते हैं, बिल्कुल पर टैक्स लगा। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को
लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।